जब मेरी दोनों बहनों को आई फ्लू हुआ था तब मैंने अपनी आंखों की परवाह ना करते हुए अपने हाथों से इनकी आंखों की सिकाई करके इनकी मदद की थी। सोचा था इनकी सेवा करूंगा तो इनकी फरमाइशें खत्म हो जाएंगी, लेकिन नहीं, इनकी फरमाइशें तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी कहती भैया डोसा खिला दो, तो कभी कहती भैया पिज्जा खिला दो, और आप कह रही है इतनी बुरी तरह कौन लूटता है यार। अब मैं तो उन्हें साफ साफ मना कर देता हूँ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर कैसे खारिज किए जा सकते हैं? फिर क्या मैं, मम्मी और रीना कपड़े लेने के लिए मार्केट आ गए। अब ये लोग तो कपड़े लेने में लगे हुए थे, लेकिन यार मैं तो बहुत बोर हो रहा था। खैर, 2-3 घंटे वेस्ट करने के बाद इन्हें कपड़े पसंद आ ही गए। फिर घर आकर जल्दी से कपड़े चेंज करके मैं और नीरज भाई आ जाते हैं हमारे भोलू राम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। आज कटेगा राजा बेटा, अब बर्थडे में स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता है। फिर भोलू राम जी अपने जन्मदिवस का केक काट कर समय वितरित कर देते हैं, और एक बार फिर से इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। इसके बाद नीरज भाई पैक बनाते हैं अरे कोल्ड ड्रिंक्स के।